हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं वर्कशीट 2 को। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉर वर्कशीट 2 नहीं बनाया है, क्योंकि उसमें बनाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल सा चीज़ था कि कोई एक ट्रायंगल है, उन तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। बस इतना सा था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। चलिए अब देखते हैं वर्कशीट 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरा, इन ट्रायंगल ABC एंगल ए इक्वल्स टू 44 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू 44 डिग्री, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। एंगल B और एंगल C हमको पता है यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या आपको दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा था, तो हम यहां पे लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हम यहां पे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी ये और ये एंगल क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब हम यहां पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं लेट द एंगल B एंड एंगल C बी एक्स। यहाँ तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, दोनों को एक्स मान लेंगे। अब हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया कि तीनों एंगल का सम कितना हुआ, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए कितना दिया है 44 डिग्री, प्लस बी और सी को हमने क्या माना है, एक्स डिग्री, यानी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। 44 डिग्री प्लस एक्स और एक्स प्लस होगा तो कितना होगा, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी अब ये इधर चला जाएगा 44, तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2x इक्वल्स टू माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 180 माइनस 44, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 6, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ हो जाएगा 136, यानी 136 डिग्री। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 136 डिग्री बाय 2, कट कर देंगे 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया, 68 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, x, तो x हमने क्या माना था इन दोनों को, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 68 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है, ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। PQR ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है विथ PQ इक्वल्स टू PR, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, बराबर है। इफ R इक्वल्स टू 42 डिग्री, R कितना है मेरा, 42 डिग्री है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P, तो आपको इस एंगल का मेजर बताना है, यानी P का मेजर बताना है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिया क्या हुआ है, देखिए PQ इक्वल्स टू PR आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट 1 में बताया हुआ है इस चैप्टर के, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, सीधा सा आपको समझना है स्टूडेंट्स कि अगर दो साइड इक्वल है तो इसका दो बेस एंगल्स भी इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्यू और आर दोनों बराबर हो गया, तो देयरफोर एंगल क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 42 डिग्री। नाउ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये तीनों एंगल को सम करेंगे, पी क्यू आर, तो कितना आ जाएगा मेरा 180 डिग्री। एंगल पी हमको निकालना है, एंगल पी प्लस क्यू कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री अभी हमने यहाँ पे निकाला है, प्लस एंगल आर हमारा कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री दिया हुआ, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल पी प्लस इन दोनों को सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
84 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री, एंगल पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 96 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा यहां पे एंगल पी निकल गया, कितना निकला 96 डिग्री। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ एबी इक्वल्स टू एसी। ट्रायंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एबी इक्वल्स टू एसी, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या है, इक्वल है। इफ एंगल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल बी क्या है 40 डिग्री है, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी का मेजर क्या होगा। तो यहां आपको देखिए गिवन क्या दिया स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल्स टू ए सी आपको दिया हुआ है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, देखिए बी कितना है 40 डिग्री, तो सी भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, तो अब हम चलिए अपना एंगल ए को निकाल देते हैं। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे एंगल ए मेरा निकालना ही है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना दिया है 40 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस दोनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मेरा एंगल ए कितना निकल गया 100 डिग्री, और ये सी हमने निकाला ही था यहाँ पे 40 डिग्री। इस तरह हमने सारा एंगल्स निकाल दिया। तो हमसे पूछा था एंगल ए एंड एंगल सी, तो एंगल ए मेरा यहाँ पे है और एंगल सी ये हमने निकाल दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, और ये वाला दोनों क्या है इक्वल साइड्स हैं। अब इसका वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, ये जो बेस होता है ठीक इसके ऑपोजिट में जो एंगल होता है वो होता है आपका वर्टिकल एंगल, यानी कि ये इसका होगा वर्टिकल एंगल। ये कितना दिया आपको 100 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड इट बेस एंगल, बेस एंगल कौन सा होता है, ये वाला एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों क्या हैं बेस एंगल्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ आपको दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी है। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। कैसे बोलेंगे यहाँ पे देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के द्वारा एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाते हैं दोनों, अगर कोई साइड आपका इक्वल है तो उसके बेस एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां पे हैं सॉल्व करते हैं। चलिए, लेट द एंगल बी एंड एंगल सी बी यक्स। ठीक है, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। ये सब आप जरूर लिख देंगे स्टूडेंट्स ब्रैकेट में। ठीक है, तो एंगल ए हमको कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, प्लस एंगल बी और सी हमने क्या माना है x, प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री, 100 डिग्री प्लस x x को ऐड कर देंगे हो जाएगा 2x equals to 180 degree। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या होगा देखिए 180 इधर चला जाएगा, यानी 2x equals to 180 degree minus 100 degree, यानी क्या हो जाएगा 2x equals to 80 degree, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 degree by 2, यानी क्या हो जाएगा 40, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो हमने एंगल बी और एंगल सी को क्या माना था एक्स, तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, एंड एंगल सी कितना हो जाएगा ये भी 40 डिग्री
हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को। देखिए ये आया 40 डिग्री और ये भी क्या है 40 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है कि तीनों एंगल को प्लस करने पे हमको कितना मिलना चाहिए 180 डिग्री मिलना चाहिए। देखिए 100 40 और 40 कितना होता है 80 और 100 कितना हो जाएगा 180 डिग्री स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।